मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के लोगों को गर्व नहीं होता। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल है। आपने देखा लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को कितना पैसा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण की बात कही, हमने 2% और आगे बढ़ा के 35% आरक्षण की बात कही। गर्व का अनुभव होता है और जिनको नहीं होता उनको करना चाहिए। महाकाल लोक में 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए। हर व्यक्ति को जो जहाँ पैदा होता है, जिस माटी में पैदा होता है, उसको कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति होती है। हमारी बुंदेलखंड की माटी है, महाकौशल प्रांत है और मध्य प्रदेश जितना सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, पुरातात्विक दृष्टि से संपन्न है, प्राकृतिक दृष्टि से जिस प्रकार से संपन्न है, यहाँ टाइगर रिजर्व भी हैं और सारी मतलब जितनी एक अच्छे प्रदेश में जितनी चीज़ें होना चाहिए वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से काम कर रहा है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल है। महिला सशक्तिकरण पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को कितना पैसा मिल रहा है, 1250 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। फिर आप देख लें कि लखपति दीदी बनाने का हमारा संकल्प है और अभी हमने कैबिनेट में देखा डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण की बात कही, हमने 2% और आगे बढ़ा के 35% आरक्षण की बात कही। तो मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम इस देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी का विजन है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति को गर्व का अनुभव होता है और जिनको नहीं होता उनको करना चाहिए। टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है। जो धार्मिक पर्यटन है विगत वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले वर्ष में मध्य प्रदेश की धरती पर 11 करोड़ से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश की धरती पर धार्मिक पर्यटन के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ आए हैं। पर्यटक जो है उज्जैन में महाकाल लोक में 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए हैं। मध्य प्रदेश में जो ये प्रक्रिया चालू हुई है, जैसे उज्जैन का महाकाल लोक बना, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम लोकों का निर्माण करेंगे। जब से महाकाल लोक बना है फुटफॉल बढ़ी है, तो ऐसे 20 लोगों को चिन्हित करके मध्य प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है, 20 लोक बनाने का, जिसमें शारदा का मैहर लोक है, ओरछा में राम राजा सरकार का स्थान है, जामसावली है, तमाम प्रकार की चीजें। मतलब मध्य प्रदेश धीरे धीरे पर्यटन के क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे नेशनल पार्क की बात हो, सारी चीजें मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जो कमियां रह गई हैं उनको डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हम उनको दूर करने का आगे आने वाले समय में काम करेंगे और मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोग मंत्रिमंडल के साथ ही और सारे विधायक गण इस बात को संकल्पित हैं और इस दिशा में निरंतर हम काम कर रहे हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।